प्रत्येक व्यक्ति को भगवान ने अपनी कृपा से नवाजा है, लेकिन वो प्रत्येक व्यक्ति उस कृपा को जानने का अधिकारी हो या यह कह दें सीधे सीधे कि उसके जीवन में सत्संग हो तो वो जान पाएगा। ईश्वर का इशारा समझने के लिए भी तो नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, और वो इशारा वो ज्ञान तब आता है जब हम सत्य के संग में होते हैं, सत्संग में होते हैं। और इसी सत्संग को हम सत्कर्म में बदलकर अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं। सत्कर्म का पिता है सत्संग। ऐसे समझ लीजिए, अगर आपके पास अच्छे मित्र हैं तो आपके जीवन में अच्छा होगा, अगर आपके पास बुरे मित्र हैं तो आपके जीवन में बुरा होगा। सीधा सिद्धांत है। अच्छा, ये आप जानते हो, कोई मैं नई बात नहीं कर रहा हूं, जानते तो आप हो लेकिन मानते नहीं है। जीव जानता सब है लेकिन मानना नहीं चाहता, और मानना क्यों नहीं चाहता, क्योंकि जीवन में सत्संग नहीं है। अगर हमें यह मालूम हो, जैसे मान लीजिए तार जा रहा है कहीं से विद्युत, और उसमें कट लगा हुआ है, और आपसे कहा जाए इससे दूर रहना, इसमें करंट है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना, इसकी बात क्यों माने, देखें करंट है कि नहीं, हाथ लगाया प्रभाव आया, उसके बाद उससे कहा जाए जरा देखना करंट है, बोला बाबा दूर रखो। तात्पर्य कहने का, कई बार ऐसी भी जिज्ञासा वाले लोग होते हैं जिन्हें जब तक वो दर्शन न हो जाए तब तक समझ नहीं आता। अपने जीवन में हम जो भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म के पीछे सिद्धांत कौन सा काम कर रहा है, सत्य का या असत्य का? अगर असत्य के सिद्धांत पर हम चल रहे हैं तो परिणाम गड़बड़ से भरा ही होगा, और सत्य के सिद्धांत पर चल रहे हैं तो परिणाम सुंदर से सुंदर होगा। आप इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे तो आपके जीवन में आनंद बरस जाएगा। वनस्पति की आप प्रक्रिया को समझें, प्रक्रिया को जानें। जिसके जीवन में भक्ति है, जिसके जीवन में ज्ञान है, जिसके जीवन में वैराग्य है, उसके गोविंद उससे दूर नहीं है, उसे ईश्वर का साक्षात्कार जरूर होगा, उसे ईश्वर से मिलन जरूर होगा, लेकिन कब होगा, जब भक्ति ज्ञान वैराग्य होगा। पहले भक्ति है, फिर ज्ञान है, वैराग्य है। कैसे? कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसको बहुत सारा ज्ञान हो लेकिन उसके जीवन में भक्ति ना हो। ज्ञान तो पढ़ाई से भी आ जाता है ना, पढ़ के बहुत सारा चीजों की नॉलेज हो सकती है, लेकिन वो नॉलेज में अगर उसके साथ अहंकार जुड़ गया तो समझ लेना उसकी नॉलेज, उसका ज्ञान भक्ति से परिपूर्ण नहीं था, या सीधे कह लो कि वो ज्ञान सौतेला है, अर्थात ऐसा है कि उसकी माँ ही नहीं। कई बार जीवन में ऐसा ज्ञान पैदा हो जाता है जो अहंकार पैदा करता है, और अगर उस ज्ञान में अहंकार है तो समझ लेना भक्ति नहीं है इसके पास। किसी के जीवन में वैराग्य हो सकता है, परम वैराग्य हो सकता है, लेकिन अगर उसे उस वैराग्य का अहंकार हो, अरे मैं तो वैरागी हूं, मैं तो ये हूं, तो समझ लेना उसके जीवन में भक्ति नहीं है। तो भक्ति के बिना ना ज्ञान सुंदर है, भक्ति के बिना ना वैराग्य सुंदर है। और जिसके जीवन में भक्ति होगी उसका ज्ञान भी कोमल होगा, सुंदर होगा, और जब ये कोमलता से भरा होगा तो फिर वैराग्य तो सुंदर होगा ही होगा। तुम राग में रहते हुए भी वैरागी बन जाओ, तुम्हारे ऊपर विषयों का प्रभाव ना पड़े, तुम्हारे ऊपर इस दुनियादारी की माया की आंच ना आए, वो है वैराग्य। और ऐसा हो सकता है, ऐसा कई लोगों के साथ हो रहा है, कोई नई बात नहीं है,
किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन होगा किसके साथ? जो चाहेगा। आप घर में हैं, आप घर में इस बात के लिए मन में निरंतर प्रयास कर रहे हो इस झंझट से छूटें तो वृंदावन जाएं। एक उदाहरण दे रहा हूं कि झंझट से छूटे तो वृंदावन जाए, झंझट से छूटे तो वृंदावन जाए, झंझट से छूटे तो वृंदावन जाए। आपको मैं गारंटी देता हूं आप कभी नहीं छूट पाओगे, कभी नहीं छूट पाओगे। ऐसा नहीं कि दुनिया प्रबल है, माया प्रबल है, इसलिए नहीं छूट पाओगे। असल में तुम्हारा मंत्र ही गलत है। अगर तुम ये कहो वृंदावन जाए वृंदावन जाए वृंदावन जाए तो तुम चले जाओगे, लेकिन अगर तुम झंझट को उपयोग कर रहे हो तो जिस शब्द को जितना उच्चारण करोगे, विज्ञान कहता है वो उतना ही जीवन में बढ़ेगा।